ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। हमें आ सूचना प्राप्त हुआ था पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी एवं पीएलजी कंपनी नंबर 6 टोटल अगर देखा जाए तो 40 से 50 माओवादी की उपस्थिति की सूचना थी। वो किसी मीटिंग के लिए उपस्थित हुए थे कोई रणनीति बनाने के लिए। इस पर से जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर की टीम और तोड़वान तुलार गुफा तरफ में एसटीएफ की टीम थी। इसमें 3 अक्टूबर को जब हमने लॉन्च किया, 4 अक्टूबर को जब पूरी फोर्स ने घेराबंदी करी तो उनके द्वारा हेवी फायर किया गया, उसका जवाब भी फायरिंग से दिया गया। ये जो मुठभेड़ है टोटल 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक चला, जिसमें अगर कुल बरामद टोटल सर्च अभियान मुठभेड़ पश्चात देखा गया तो टोटल 31 वर्दीधारी माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही ऑटोमेटिक वेपन, आधुनिक हथियार जैसे AK-47, SLR, इंसास, LMG, लाइट मशीन गन, 303, 315, 12 बोर, BGL जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं भारी मात्रा में। दंतेवाड़ा DRG का नेतृत्व IPS एडिशनल SP स्मृतिक रांजनाला और DSP ऑपरेशंस राहुल उइके कर रहे थे, और DRG नारायणपुर का नेतृत्व इसमें DSP प्रशांत देवांगन कर रहे थे। एक बड़ा फिगर है अभी तक का, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा फिगर है छत्तीसगढ़ में। और इसमें मुठभेड़ में एक आरक्षक हैं, उनको स्प्रिंटर इंजरी हुई थी। स्प्रिंटर इंजरी होने के बाद फोर्स जवानों द्वारा उसका तत्काल उपचार किया गया और उपचार उपरांत चॉपर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर रायपुर में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति सामान्य है। फोर्स आज सर्चिंग अभियान करने के बाद वापस आ रही है और हम लोग उसी को मिलने के लिए अभी हांदावाड़ा तरफ आए हुए हैं। सर, इनिशियली ये बताया जा रहा था कि कैजुअल्टी उनकी तरफ से और ज़्यादा हो सकती है। नहीं, हमारी तरफ से ऑफिशियल फिगर जो, देखिए मुठभेड़ जो है वो बहुत लंबा चला है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी उतना ही लंबा चला। तो कल तक जो हमारे पास जानकारी लगभग 28 नक्सली माओवादी का था और आज मॉर्निंग तक फिर टोटल 31 काउंट हुआ है। सर, जैसे बहुत सारे असॉल्ट राइफल मॉडर्न वाले मिले हैं तो क्या लगता है कि किस टाइप के कैडर रहेंगे, क्या वो रिवॉर्ड कैरी कर रहे थे? जी, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमें हथियार मिले हैं और जिस हिसाब से संख्या है उसमें ज़रूर कोई HHC या DVC रैंक का माओवादी होगा। HHC देखा जाए तो शासन द्वारा उसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है, और DVC या कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो उनके ऊपर शासन द्वारा 8 लाख। तो सर, टेरेन की अगर बात करें तो टेरेन कितना चैलेंजिंग था सर? जी, इसमें टेरेन आप देख ही रहे हैं, यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ आने में किस तरीके से डिफ़िकल्टी हुई है, तो जाहिर सी बात है टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी बरसात का मौसम भी है और दिन में उमस का है, तो वो भी एक फोर्स के लिए बहुत परेशानी और कठिनाई वाला रहता है। नदी नाले भरे रहते हैं तो उसको क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीच में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस दिन ऑपरेशन लॉन्च हुआ उस दिन अमावस की रात थी, तो जो फोर्स है जो रात में चलकर सुबह जाके घेराबंदी की, वो पूरी पिच डार्क एकदम अमावस की रात में जाके उन्होंने घेराबंदी किया। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ, बहादुरी और वो है जो उन्होंने इस जो इनपुट था हमारे पास आसूचना थी उसको इन्होंने सफल किया। जैसा कि आप सभी को पता है ये एरिया जो है अभुजमाड़ माना जाता है, और ये जो है उनका जो है जितने भी आपके माओवादी संगठन हैं इस समय जो है उनका पूरा ये जो एरिया जो सुरक्षित एरिया माना जाता है, और उनकी सूचना पर जो बड़े लीडरों के माओवादियों के बड़े लीडरों की सूचना के आधार पर जो है आज से 4 दिन पहले ही एक ऑपरेशन प्लान किया गया था, और वो प्योर अभुजमाड़ में जो है, और उसी आधार पर जो अपने नारायणपुर, दंतेवाड़ा का DRG और साथ में हमारा STF, ये 3 का बल था, और वो बल जो है आज से करीब 3 दिन पहले जो है जंगल में ऑपरेशन के लिए गया था, और इसी दरमियान कल 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ है पुलिस फोर्स और माओवादियों के बीच में, जिसमें कि 31 माओवादी ढेर हुए हैं, और उसी अनुसार जो है आपके AK-47, SLR, LMG, इंसास, 303, 315 बोर, BGL लॉन्चर गन और पिस्टल, इस तरह बहुत सारे जो है वेपन अपन को जो है उनसे जो है बरामद हुआ है। सर, किस टाइप का फॉर्मेशन रहा होगा इतनी बड़ी संख्या में? ये एरिया मैं जैसे आपको बताया, पूरा एरिया जो है नक्सलियों का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है, और इस एरिया में जहाँ पर हम लोग ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर जो एक तो पूरी बस्तर डिविजनल कमेटी है नक्सलियों का, वो ऑपरेट करता है, और उन्हीं के साथ में जो है कि यहाँ पर जो है PLGA के कंपनी नंबर 6
यहाँ पर जो सक्रिय है, और उनकी अगर दोनों मिलाकर अगर हम अनुमान लगाएं एक अनुमानित संख्या, तो कम से कम 100 से 150 की संख्या उनकी है पूरी बस्तर डिवीजन में। और उसी फॉर्मेशन के साथ जो है हमारा फोर्स का इनकाउंटर हुआ था। सर, इतना चैलेंजिंग टेरेन है और नक्सल डेन कहा जाता है इस एरिया को, और फोर्सेस पेनिट्रेट करके अंदर आई और मार भी गिराया 31 लोगों को, सर क्या समझे कितना कमजोर हुआ होगा नक्सल यहाँ? नहीं, ये तो भाई रणनीतिक खेल है, उसको कमजोर हुआ ये नहीं बोल सकते जो है, ये तो भाई जिसका रणनीति मजबूत होगा उसका जो है। तो इस समय जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल पिछले 6 महीने में, मैं आपको कह सकता हूँ कि पुलिस ने अपने रणनीति में जो है, सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने नहीं बाकी भी जो यहाँ पर अपना CPM का CPMF का फोर्स है पूरे बस्तर संभाग में, एक रणनीतिक तौर से जो है हमने जो कुछ बदलाव किया है, और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे माओवादी संगठन पर जो है सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।